पेट्रोलियम लेवी 7 रुपए फी लीटर तक ले जाने का कोई इरादा नहीं। खुले दूध पर टैक्स नहीं लगाया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और दालों समेत बुनियादी अशिया पर 35 अरब रुपए की टारगेटेड सब्सिडी देंगे। खुर्दनी तेल पर टैक्स खत्म नहीं किया। वजीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी नई एमएनएचटी स्कीम का ऐलान नहीं किया गया। आईटी के शोबे को मराद देंगे, इलेक्शन के लिए रकम रख दी है। पाकिस्तान पेरिस क्लब, आईएमएफ और आलमी बैंक समेत आलमी मालियाती इदारों से कर्ज रीशेड्यूल नहीं करेगा। तमाम कर्जे बर वक्त अदा किए जाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान, कहा खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान का दिफाई बजट ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, रिट लगाने वाले खुद जिम्मेदार होंगे। सिंध का 2244 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% तक इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ाने का ऐलान। मजदूर की कम से कम तनख्वाह 33,750 करने की तजवीज। अमन व अमान के लिए 143 अरब मुख्तस, लोकल बॉडीज के लिए 90 अरब रखने की तजवीज। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफान के बायस तबाही। जांबहक अफराद की तादाद 10 हो गई।